है ना, इन पे इसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम वन पेज, ठीक है। तो आपको एक पेज से ऊपर नहीं बनाना कवर लेटर अपना, तो एक पेज के अंदर अंदर हमारे को पांच टॉपिक जो है वो कवर। मैं मेडिकल इंश्योरेंस की भी आपको लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आपको बहुत ईजी हो जाए कि किस किस कंपनी से आप मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेरी 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 गुड। माय नेम इज गौतम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और मेरे घर में भी स्वागत है आपका, ये मेरा घर है, ठीक है। तो चलो, आज की जो वीडियो का टॉपिक है ना वो बहुत सिंपल सा है, जो कि है वीजा चेकलिस्ट। तो अभी वीजा का टाइम चल रहा है, तो आई डो सारे बच्चे वीजा पे ध्यान दे रहे होंगे। कुछ कुछ बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई भी कर दिया है, कुछ कुछ बच्चों के वीजा आ भी गए हैं, पर जिन्होंने अप्लाई नहीं करा या जो वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा हेक्टिक होता है। मैंने सोचा कि चेकलिस्ट को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ऑल्दो पूरी चेकलिस्ट बहुत क्लियर है, बट मैंने सोचा कि मैं बता देता हूँ सारे पॉइंट, तो इजी हो जाएगा सबके लिए, ठीक है। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। और अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी वीजा रिलेटेड डाउट आ रहा है, किसी भी स्टडी प्रोसेस में इटली की डाउट आ रहा है या ट्रैवल में डाउट आ रहा है, तो आप मेरे से 101 सेशन ले सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और हाँ वहाँ पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। चलो आप स्टार्ट करते हैं। तो मैं अटैच कर देता हूँ जो चेकलिस्ट है वो यहाँ पे, सो दैट आपको पता चल जाए, और नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा मुंबई के लिए भी, दिल्ली के लिए भी एंड कोलकाता के लिए भी, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपको अभी तक नहीं पता, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आई होप कि आपको इधर उधर दिख रही होगी, तो आप स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास भी है, तो जो पहला पॉइंट है वो है पासपोर्ट। उसके अंदर क्या बोला गया है कि जो पासपोर्ट है वो इश्यू होना चाहिए लास्ट 10 साल के अंदर अंदर, ठीक है, और उसके बाद वो उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 महीने ज्यादा होनी चाहिए आपके कोर्स से। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने 2024 सेप्टेम्बर में स्टार्ट करा है और आपका 2 साल का कोर्स है, तो 2026 सितंबर से 3 महीने आगे तक आपका होना चाहिए, तो दिसंबर तक आपका वो वैलिड होना चाहिए। सिंपल पॉइंट। सेकंड उसमें लिखा हुआ है कि आपके 2 जो पेजेस हैं ब्लैंक होने चाहिए पासपोर्ट के अंदर, ठीक है, तो वो आराम से होगा, तो इसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म का, तो इट्स जस्ट अ फॉर्म, वो मैं फॉर्म भी अटैच कर दूंगा, बाकी आप VFS की साइट से डाउनलोड कर सकते हो, मैं फॉर्म अटैच कर दूंगा। इसमें कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल एक फॉर्म फिल करना है, जैसे आपके नाम, आपका पासपोर्ट, एड्रेस, और क्या क्या कर रहे हो, किस लिए जा रहे हो, स्टूडेंट के लिए जा रहे हो, पर्पस, ये सब, ठीक है, बहुत सिंपल सा होता है। अगर नहीं आपको समझ में आएगा तो मेरे को बता दो, मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके अलावा लिखा हुआ है वहाँ पे, अगर आप माइनर हो यानी कि 18 से कम है आपकी एज, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनको साइन करना पड़ेगा, ड्यूली अटेस्ट करना पड़ेगा, सिंपल, कोई वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है कवर लेटर का। कवर लेटर सबसे मेन होता है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला होता है, तो याद रखना है इस चीज को, ठीक है। तो अब इस पे आते हैं। अब इसमें ना 5 पॉइंट दे रखे हैं आपके, तो आपको इन 5 पॉइंट पे ध्यान देना है। इन पे इसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 1 पेज, ठीक है, तो आपको एक पेज से ऊपर नहीं बनाना कवर लेटर अपना, तो एक पेज के अंदर अंदर हमारे को 5 टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। तो पहला टॉपिक क्या है कि जो कोर्स है वो अबाउट योर कोर्स, उसके कोर्स के बारे में बताना है। सेकेंड क्या है, यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, आपका जो आपका स्कॉलरशिप है अगर अप्लाई करी है उसके बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद है मींस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब जो भी स्पॉन्सर कर रहा है उसके बारे में, कितने पैसे दे रहे हैं, कौन कर रहा है, वो बताना है। उसके बाद पांचवा जो है वो लास्ट में, वो है आपका अकोमोडेशन, आप यहाँ पे आके कहाँ अकोमोडेट करोगे। तो ये 5 पॉइंट है, तो 2-2 2.5-2.5 लाइन की पैराग्राफ बनाना अलग अलग से हर एक पॉइंट का, और 5 पैराग्राफ में खत्म कर देना अपना कवर लेटर, बहुत सिंपल से भी, ज्यादा बड़ा मत करना, क्योंकि जो वीजा ऑफिसर होता है ना उसको बहुत सारे एप्लीकेशन पढ़नी होती है एक एक दिन में, आई थिंक 20-30 जितने भी इंटरव्यू होंगे डिपेंडिंग ऑन दैट, तो वो पढ़ना होता है, तो बेटर है उनके लिए, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद है 4th पॉइंट, प्रूफ ऑफ एडमिशन टू द स्टडी प्रोग्राम। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, ऐड करना है आपका जो एक्सेप्टेंस लेटर है, ठीक है, वो आपको ऐड करना है, या फिर आपके पास कोई मेल आया, बिकॉज बहुत यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज के लिए सिर्फ एक मेल भेजती है कि यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो वो मेल अटैच करना, उसकी कलर फोटोकॉपी अटैच करनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो सेकंड पॉइंट है वो है प्री एनरोलमेंट समरी, जो कि आप यूनिवर्सिटी इटली से डाउनलोड करते हो, जो उनका पोर्टल है वहां से करना है, जो कि सबसे मेन है, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा है कि रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट फीस, मतलब कि पेमेंट की, एनरोलमेंट की जो फीस है उसके लिए, तो ये सब के लिए कंपलसरी नहीं है, बिकॉज हर एक कोर्स के लिए आपकी एनरोलमेंट फीस पहले नहीं जाती, तो आप अगर आपने भरी है तो उसकी आपको रिसिप्ट मिली होगी, तो आप वो पे करो, ठीक है। और इसमें भी ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके बैंक अकाउंट से जाना चाहिए वो, मतलब आपके फादर या आपका जो भी स्पॉन्सर कर रहा है उसके बैंक अकाउंट से जाना चाहिए, वो प्रेफरेबल होता है, ठीक है। चलो
नहीं है अगर आपके पास रिसिप्ट तो कोई वो नहीं है, आप बता सकते हो उनको कि मेरे कोर्स के लिए रिसिप्ट मतलब एनरोलमेंट फीस मेरे को पे नहीं करनी थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो इसलिए मेरे पास नहीं है, तो ये बहुत ईजी है इसमें, कोई वो नहीं रहेगा, ठीक है। सो उसके बाद है प्रूफ ऑफ प्रीवियस एजुकेशन, ठीक है। अब उसमें लिखा हुआ है या तो आप चीनिया दे दो, ठीक है, या आप DOB दे दो, ठीक है। अगर ये और इन दोनों के अलावा ये ऑप्शनल है, या तो चीमिया दे दो या DOB दे दो, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी ने मांगा है आपसे। तो मोस्ट ऑफ द केस में आई थिंक सो आप चीमिया चल रहा है तो चीमिया मांगा है, अगर DOB मांगा है तो आप एप्लीकेशन के टाइम पे ही DOB का अप्लाई कर सकते हो, तो आपको उसकी टेंशन नहीं है। आप बता सकते हो उनको कि DOB के लिए मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, तो वो DOB आ जाएगा। उसके अलावा जैसे आपका जो 12th का मार्कशीट है और कंसोलिडेटेड जो मार्कशीट होती है, ट्रांसक्रिप्ट जो होता है, वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और वो अटेस्ट होना चाहिए और अपोस्टाइल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों चीज़ें, मार्कशीट भी और ट्रांसक्रिप्ट भी। उसके अलावा आपको अटैच करना है आपका CV, ठीक है। तो आई थिंक सो ये बहुत क्लियर है, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, जो भी स्पॉन्सर की चीज़ें हैं वो। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हो तो क्या क्या करना है, और जो अगर आपके स्पॉन्सर कोई और कर रहा है, आपके फादर कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। वैसे पेरेंट्स ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में फादर या मदर में नहीं है या वो नहीं कमा रहे, तो उनके केसेस में कोई और स्पॉन्सर कर सकता है, तो वो भी वैलिड है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ पेरेंट्स ही कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें फाइनेंशियल प्रूफ में ये लिखा है कि जो मीन्स है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं वो बताना है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कौन से जॉब कर रहे हैं या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर कोई बिजनेस है, तो कहाँ से पैसे आ रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपको बताना है, ठीक है। आपको जो शो करना है वो 6080 यूरो पर ईयर शो करना है। तो अगर आपका बैचलर्स है तो 3 साल का, सो 6000 विच इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 18,000 समथिंग सम 100 यूरोज, ठीक है। तो इंडियन रुपीज में 15-16 लाख, ठीक है। और अगर आप मास्टर्स के केस में आ रहे हो तो 12,000 यूरो विच इज अप्रॉक्सीमेटली 10.5 लाख, तो उससे ऊपर करोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये सिनेरियो है, ठीक है, इतने आपको शो करना है। उसमें शो क्या करना है, आपको जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या शो करना है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट करनी है, तो आप कम की मत करना, ठीक है। आप ज़्यादा की कर सकते हो अगर आपको दिख रहा है कि ज़्यादा की ज़्यादा बेटर है, बट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट इज परफेक्ट, उतना ही करना। और ट्राई करना कि बैंक स्टेटमेंट थोड़ी अच्छी दिखे, ऐसा नहीं कि आपने बस अभी पैसे डाल दिए और वो आ जाए, थोड़ा सा देख के करना उसको, ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट प्रूविंग एप्लीकेंट्स या फिर सोर्स जो भी स्पॉन्सर है उसके, तो उसमें क्या क्या आपको आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, वो है एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कि वही आपका जो है सैलरी स्लिप्स डाल सकते हो, ठीक है। ITR 3 साल की, ठीक है। डीमैट अकाउंट, डीमैट इसलिए बोला है ताकि अगर आपने कोई स्टॉक बेचा है या फिर कुछ कोई गोल्ड बेचा है तो उसका जो आएगा सर्टिफिकेट आता है या फिर जो उसके ट्रांजेक्शन आती है वो डाल सकते हो। इसमें नीचे लिखा है फैमिली इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल, तो आपको कुछ नहीं करना, आप जिस भी स्टेट के, फॉर एग्जाम्पल आप न्यू दिल्ली के हो तो आप डालोगे कि इनकम सर्टिफिकेट दिल्ली, तो आपके पास पोर्टल आ जाएगा, हर एक स्टेट का है, वहाँ पे जाके आप बस आपको अपना पैन कार्ड आपका मतलब फादर का अगर है तो वहाँ पे जाके डालना है और वो आ जाएगा, मतलब पैन कार्ड डालना है, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट डालने हैं, स्लिप्स डालनी है, तो वो आ जाएगा, ठीक है, वहाँ से, ओके। उसके बाद है ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस, तो मैं मेडिकल इंश्योरेंस की भी आपको लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आपको बहुत ईजी हो जाए कि किस किस कंपनी से आप मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हो। उसके अंदर बस ध्यान देना है, बस एक चीज है उसके अंदर ध्यान देनी है कि नीचे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, जो ये क्लॉज है रिपार्ट्रिशन क्लॉज जो है उसका आपको ध्यान रखना है कि वो इंक्लूड होना चाहिए उसमें, और जो मिनिमम है उसका अमाउंट वो 30,000 यूरो होना चाहिए, तो आपका 8,000 से 10,000 के बीच में आ जाएगा डिपेंडिंग कि किस कंपनी से कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद है एयर टिकट, अब इसमें लिखा हुआ है एयर टिकट राउंड ट्रिप, तो बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज आते हैं कि राउंड ट्रिप कैसे दिखा दे ये वो, तो नीचे उसमें लिखा हुआ है अगर आप राउंड ट्रिप नहीं दिखा सकते तो आप अपना दिखाओ कि आपने जितना भी एक अमाउंट है विच इज लाइक फॉर मास्टर विच इज 12,000, तो आप 2,000 एक्स्ट्रा दिखा दो, तो 14,000 दिखा दो यूरो, तो आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है। बट मैंने देखा मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई बच्चे राउंड ट्रिप नहीं दिखाते, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल दिखाओ, लेकिन अगर आप अमाउंट बढ़ा सकते हो तो वो जरूर बढ़ा दो, उसका फायदा है आपको ही। तो अगर 12,000 दिखाने थे आपको, 12,000 यूरो दिखाने थे मास्टर्स के लिए, तो 14,000 दिखा दो या 13,000 दिखा दो, दैट इज मोर देन सफिशियंट इनफ है, ठीक है। उसके अंदर आपको PNR, आपकी बुकिंग रेफरेंस, ये सारे के सारे डालने, ए टिकट का जो आएगा ना स्क्रीनशॉट्स आते हैं आपके इटरनरी के, और उसके उसमें सारे आपके PNR एंड बुकिंग रेफरेंस नंबर लिखे होते हैं,
वो डालना है, ठीक है। और उसके बाद है अकोमोडेशन, ठीक है। अकोमोडेशन एग्जैक्टली उन्होंने बोल रखा है कि एटलीस्ट 30 डेज का होना चाहिए, तो 1 महीने का आपके पास अकोमोडेशन होना होना चाहिए, तो वो आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद मतलब वो बुकिंग होनी चाहिए, आप कर सकते हो कहीं से भी। उसके बाद उन्होंने नोट्स में नीचे लिखा हुआ है कि माइनर है तो माइनर के केस में क्या करना है। और उसके अलावा अगर आप एडुकेशन लोन ले रहे हो तो उन्होंने बोला है कि अगर वो अमाउंट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा जब आप ट्रांजेक्शन दिखा रहे हो 6 महीने की, तो ही वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी सारी चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई हेल्प चाहिए अकोमोडेशन से रिलेटेड, या फिर वीज़ा की किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या एयर टिकट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये मेरी इंस्टा की आईडी है, आप इंस्टा की आईडी पे कर सकते हो मेरे से कॉन्टैक्ट। और इसके अलावा अगर आपको 1-on सेशन लेना है तो मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो बिल्कुल बेझिझक होकर आप कहीं पे भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और बेस्ट ऑफ लक आपके वीज़ा के लिए, आपका बढ़िया जाए वीज़ा, मज़ा आए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।